कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है कुछ नाम ऐसे होते हैं बस वो नाम ही उनकी पहचान होते हैं और ऐसे ही नाम के दो प्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं हमारे साथ हैं पूर्णिमा महतो जो कि देश की आर्चरी कोच हैं पद्मश्री अवार्डी हैं बहुत सारी उपलब्धियां इनके खाते में हैं तो स्वागत है साथ में अंकिता भगत हैं इन्होंने अभी पैरिस ओलंपिक में तीरंदाजी टीम के साथ पदक की कोशिश की सफलता नहीं मिली लेकिन बहुत शानदार प्रयास रहा अंकिता आप दोनों का स्वागत है शुरुआत पूर्णिमा जी से ही करती हूँ पूर्णिमा जी पहले तो सबसे पहले बधाई आपको क्योंकि पद्मश्री मिलने के बाद हम अभी आपसे मिल रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस घोषणा के बारे में तो हमने बात की थी लेकिन ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आप जब पद्मश्री प्राप्त के राष्ट्रपति के हाथों में ये एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ साझा कीजिए सबसे पहले धन्यवाद थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगा पहले भी मतलब आ, आ, करीब 11 साल मतलब 2013 में मुझे दोना चेहरे मिला उसके जी. बाद फिर पद्मश्री मिला तो बहुत अच्छा और उस जगह जाने से तो मतलब अलग ही फीलिंग होते हैं कि मतलब अपना नाम उस जगह में सुनने से मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते तो मुझे डर लगता उस जगह में इतना सब के सामने आपका पूरा अचीवमेंट बोला जाता है तो एक बहुत बड़ी बात है और सारे बड़े लोग रहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मैम तो है ही बट बहुत अच्छा है और ये मुझे लगता है कि एक अलग से और एक जिम्मेदारी मिल गई है क्योंकि कि कोई किसी को जब आ, किसी चीज़ से सराहाया जाता मतलब अवार्ड मिला जाता तो मुझे लगता है कि और और मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी मुझे और अच्छा से काम करना है और मतलब देश के लिए कुछ करना है बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि देश के लिए कुछ करना है और जब कोई भी अवार्ड मिलता है आपको तो बहुत खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है तो ये बहुत अच्छी बात है अंकिता एक बात बताओ मैम इतनी सफल है तुम्हारी कोच है तुम क्या सोचती हो तुम्हारा लक्ष्य क्या है मैम के जैसे बनना या इनसे भी आगे बढ़ना मतलब मैम हमारे कोच है लेकिन कभी ऐसे लगता नहीं मैम पूरा मतलब मम्मी जैसे ही रहते हैं बहुत सपोर्ट करते हैं बहुत ख्याल रखते हैं और मतलब कभी भी किसी चीज में रोकते नहीं है हर चीज हमेशा बोलते हैं कि दिल खोल के करो बिल्कुल तो इस चीज से हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं मैम से बिल्कुल बिल्कुल मैम के पास ढेरों अवार्ड हैं तुम्हारे अवार्ड की भी शुरुआत हो गई है पहला ओलंपिक था इस बार का ये एक्सपीरियंस कैसा था क्योंकि ओलंपिक में जाना हर खिलाड़ी का सपना होता है कोशिश ये होती है कि जाऊं पदक लूँ हालांकि उसमें सफलता नहीं मिली लेकिन ये पहली कोशिश ये ओलंपिक का एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे दर्शकों को बताइए जब से मैं आर्चरी शुरू की थी तब से मेरा यही मतलब ख्वाहिश था कि मैं ओलंपिक में जाऊं जी तो मैं इस बार गई और इसका एक्सपीरियंस एक सबसे अलग है मतलब वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैम्पियनशिप कोई भी इसके साथ मतलब कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ भी एक अलग माहौल इतना सारे ऑडियंस सबके सामने तीर मारना वो अलग ही है एकदम जी तो मुझे मैं बहुत एंजॉय की उस मोमेंट का थोड़ा डर भी लगा डर के साथ मैं एंजॉय भी की बहुत डर के साथ एंजॉय किया एक बात आपने कही कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ये ओलंपिक, दोनों का बिल्कुल दोनों अलग चीज़ें हैं पूर्णिमा जी मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में या वर्ल्ड कप जब होते हैं तो हमारे देश के खिलाड़ी बहुत आगे रहते हैं तो कितना अंतर है क्योंकि ओलंपिक सबको पता है कि तमाम देश 160 से अधिक देश यहाँ इकट्ठा होते हैं तो वो कितना चुनौतीपूर्ण होता है ओलंपिक और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप देखिए जैसे हमारा ओलंपिक होता है ओलंपिक में कोई तो ऐसे नहीं जा सकता उसमें क्वालिफाई करना पड़ता है तो जैसे हमारे जितने भी कंट्रीज़ खेलते हैं 88 कंट्रीज़ आर्चरी करते हैं तो उनमें से सिर्फ टॉप 12 टीम क्वालिफाई करते हैं वो भी क्वालिफाई करने का अलग अलग जगह है लाइक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिर्फ तीन टीम होते हैं फिर कॉन्टीनेंटल से एक एक टीम आते हैं और फिर एक वर्ल्ड रैंकिंग से दो टीम जाते हैं और फिर एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होता है जो लोग क्वालीफाई नहीं किया उनका उनसे फिर तीन टीम जाते हैं तो ये जो क्वालिफाई करना ये भी बहुत टफ हो गया है और पूरा वर्ल्ड से सिर्फ 64 फोर आर्चरी होता है उनमें से ये टीम मेंबर्स भी काउंटेड है अच्छा। फिर मिक्स टीम है तो इस बार लास्ट टाइम जैसे लास्ट ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक में हम लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया जस्ट मिस कर गए थे इस बार सोचे थे कि एकदम क्वालिफाई करेंगे पेरिस में तो क्वालिफाई हुआ जी। और हम लोग वर्ल्ड रैंकिंग से क्वालिफाई किए थे बट जैसे ओलंपिक का अलग ही माहौल रहता है जैसे अंकिता ने कहा अलग अलग माहौल रहता है अलग प्रेशर रहता है बट ये सबका ड्रीम रहता है जो भी, भी प्लेयर है सबका ड्रीम रहता है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करें उसमें मेडल लें बट जैसे वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है आपके सारे मैचेस नॉर्मल ग्राउंड में हो जाते हैं उसके बाद आपका ब्रॉन्ज मेडल कभी कभी होते हैं जैसे वर्ल्ड कप में तो सिर्फ गोल्ड मेडल मैच ही वहाँ पे होते हैं अच्छा। और मतलब पोडियम पे और जो मिक्स टीम का टॉप फोर से होता है ब्रॉन्ज मेडल भी होता है जी। तो वो जो जो लोग मेडल मैच खेलते हैं उनको वो एक्सपीरियंस मिलता है बट ओलम्पिक टोटली अलग है हर मैच आपको वहाँ खेलना है हर मैच हमारा फाइनल के लिए है तो इन लोगों ने कोशिश किया है आ, रैंकिंग में काफी मतलब नर्वस हो रहे थे डर भी लग रहा था कि रैंकिंग टॉप फोर में आने से हम लोगों का डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल जी, जी. तो उसमें भी आना है तो टॉप फोर इन लोग आए भी मतलब हा, अच्छा हा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया मतलब रैंकिंग में हमारा टीम बोलिए फिर ओवरऑल रैंकिंग बोलिए काफी बॉयज गर्ल्स का काफी अच्छा था पर फर्स्ट uh, मैच जैसे हम लोगों ने uh -huh. अच्छा नहीं खेला टीम मैचेस उसके बाद मिक्स टीम में खेले जो वो प्रेशर आता है बिल्कुल वो वो हैंडल करने के लिए धीरे धीरे हैंडल हुआ जैसे बिल्कुल. तो वो पहले से ही करना है जी. तो इन लोग जैसे अभी करके आए नेक्स्ट में सभी को बताएंगे कि आज इसका एक्सपीरियंस है प्लेयर लोग बेटर बो, बोल सकता है हम बिल्कुल तो बिल्कुल देख रहे हैं तो प्लेयर लोग बेटर बोल सकते हैं कि उस जगह हम लोग को और क्या तैयारी करना है तब हम बिल्कुल सही कहा कि प्लेयर्स बेटर बता सकते हैं अंकिता आप तो थी आपका गेम भी मैंने देखा था डबल्स धीरज के साथ जो मैच हुआ था थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए क्योंकि अब आपके पास अनुभव हो गया है ओलंपिक खेलने का कोई ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट में ही मेडल लें अभी रास्ते खुले हैं लेकिन ये एक्सपीरियंस कैसा था हम लोग जैसे शुरू में टीम मैच खेलने गए तो पहले ही मैच था तो इसलिए डर लगा था तो फिर हम लोग उस चीज़ को बात करके मैडम से बात करके कि कैसे हैंडल करेंगे फिर धीरे धीरे उस चीज को हैंडल कर लिए थे डर को फिर मिक्स टीम में हम लोग यही सोच के गए थे कि <coughs> मतलब हम लोग सिर्फ अपना परफॉर्मेंस देंगे जी। बाकी रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा हम लोग अपने परफॉर्मेंस से हमें खुद को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हम मुझे ये चीज करना चाहिए था ऐसे नहीं होना चाहिए जी हम लोग जितना भी हो सके करेंगे तो इसीलिए हम लोग उतना दूर तक पहुँचे पहली बार बिल्कुल बिल्कुल डर किस किस बात को लेकर लगा कि ओपोनेंट कैसे हैं क्या उन लोगों को भी देखा आपने उनके भी मैचेस आपने देखे थे क्या वीडियोस? नहीं कुछ? जैसे आर्चरी में ओपोनेंट कोई मैटर नहीं करता सिर्फ अपने ही ऊपर फोकस रखना है अप, अपना ही तीर मारना है यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डर सबसे ज़्यादा लगता है रिजल्ट से जी कि मेडल आए मेडल से कि मेडल आएगा कि नहीं आएगा तीर कहाँ लगेगा इस चीज़ से डर लगता है तो हम लोग इस चीज़ को भूल के सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिए थे बिल्कुल और काम का नतीजा देखा भी था भले पदक तालिका में ना हो लेकिन आपने तो दिल जीता लोगों का पूर्णिमा जी कितनी लंबी तैयारी थी तक जाने की वैसे भी हर ओलंपिक से पहले लंबी तैयारी होती है आ, कैसी टीम थी कितनी उम्मीदें थी देखिए तैयारी तो बहुत लंबी कर मतलब करना ही है और अगर आपको लॉस uh, एंजलिस में जीतना है तो अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए पर हम लोग जैसे हम लोगों को वर्ल्ड चैम्पियनशिप से क्वालिफाई होते हैं टीम तो उससे ओलंपिक से एक साल पहले जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप रहता है उसमें हम लोगों का तो लगभग दो साल से पूरा प्रिपरेशन ऐसे तो, तो अपना अपना सब प्रिपरेशन करते हैं बट ओलंपिक के लिए अलग से प्रिपरेशन करना है और जैसे अंकिता ने बोला कि उस जगह में जाके रिजल्ट का होता है तो इस बार हम लोग सबसे मतलब पहली बार मेडल मैच खेले हैं मतलब कितने ये लोग जितने भी ओलंपिक खेल रहे हैं सभी आर्चरी ने पहली बार मेडल मैच खेले और उस जगह में मुझे लगता है सिर्फ अपने प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम लोग प्रोसेस प्रोसेस छोड़ के सिर्फ रिजल्ट हो जाते हैं एरो कहाँ लगेंगे मेरे को मारना है ये दिमाग में आ जाता है तो ये सब अभी मुझे लगता है हमारे स्किल सब कुछ टेक्निक वाइज सब ठीक है मुझे लगता है मेंटली जैसे और साइकोलॉजिकली ये लोग लो ज्यादा ट्रेन करेंगे अपने आप को उस माहौल को मतलब अपने आप में थोड़ा सा रखेंगे कि उस जगह में ओवरकम तो फटाफट कैसे हो हमको एरो ना लगे, उसको करना जी। जी। एक और थोड़ा सा अगर ऐसे माहौल कभी -कभी मिले बच्चों को तो बहुत अच्छी बात है जैसे हमारे यहाँ पे ही कुछ स्कूल के बच्चों के बीच में स्कूल के बीच में बच्चों के बीच में बुला के इन लोगों को शूट करवाना है या फिर

इस बार तो मौका मिला क्वालिफाई करके थे। Yes, मुझे जहां तक लगता है और बच्चे मतलब जितने इंडिया के अंदर कंपटीशन रहेंगे तभी बच्चे लोग थोड़ा टफ होंगे हो गए और चाहिए मतलब है अभी भी बट और इनमें से इन लोग एशियन गेम्स में जैसे इन लोगों ने ब्रॉन्ज जीता है हाँ, बिल्कुल। ए, हमारा एशियन कंट्रीज भी सारे बहुत अच्छे में तो काफी है बहुत हाँ। अच्छे हैं सभी कंट्रीज अच्छे हैं और आप देखेंगे टॉप ट्वेल्व में मुझे लगता है सिक्स तो मतलब पूरा एशियन 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 कंट्रीज जीते तो ये बहुत टफ होता है तो एशियन गेम में जब ये लोग ब्रॉन्ज जीत हैं। जी तो ओलंपिक में क्यों नहीं वैसे ही हमें और तैयारी करनी है तो बस मुझे भरोसा है बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल और भरोसा होना भी चाहिए क्योंकि आपके पास इतने अच्छे-अच्छे खिलाड़ी एक बात साइकोलॉजिकल बात हुई कि खिलाड़ी हमारे बहुत सशक्त हैं बहुत अच्छे हैं लेकिन एक प्रेशर होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या लगता है कि ऐसे भी कोई टीम में हो जो कि मेंटली भी बूस्ट करते रहे ऐसे खिलाड़ियों को या जैसा कि आपने भी एक एक बात कही आपने कि खिलाड़ियों के साथ स्कूलों में प्रदर्शन मतलब गेम्स हो ताकि इन लोगों की हिचक और ये सब जो है दूर हो ऐसा हो हमारे पास है मतलब, साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ भी है जी जी पर आ, मतलब मुझे लगता है कि मतलब पूरा अभी से ट्रेन करेंगे नहीं। ये नहीं कि कुछ दिन पहले आके सात महीना से नहीं होगा बिल्कुल चार पांच साल का ये भी है जैसे सीखते हैं वैसे उसको भी सीखना पड़ता जी, है जी, जी। तो वो उस जगह में ओवरकम करने के लिए हमको क्या क्या करना है कैसे वो भी एक बहुत टफ है इन प्लेयर्स के लिए बिल्कुल क्योंकि जैसा कि पूर्णिमा जी ने कहा कि अभी से शुरुआत करनी है क्या सोच रही है आप अंकिता के अभी से टारगेट है एक साइकोलॉजिकल एक कोच जो है उनकी आवश्यकता अभी से आप एक खिलाड़ी होने के नाते क्या महसूस करती हैं जैसे ओलंपिक आता है तो उससे एक दो साल पहले से हम लोग तैयारी शुरू करते कि हाँ अभी ओलंपिक आ रहा है अभी हम लोग तैयारी शुरू करेंगे जी. लेकिन इस बार मैं ओलंपिक खत्म होने के बाद ही बोली थी कि अगला ओलंपिक के लिए अभी से तैयारी शुरू करना पड़ेगा तभी हम लोग अगला ओलंपिक में मेडल ला पाएंगे जी बिल्कुल सही कहा कि अगली की तैयारी अभी से ए, क्या लगता है जिस तरीके से मैम ने भी कहा कि बहुत सारे इवेंट्स होने चाहिए टूर्नामेंट्स होने चाहिए उससे फ़ायदा मिलेगा हाँ बिल्कुल क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है कि इतना ऑडियंस के सामने हम लोग तीर चलाएं जी जब वो वैसा वाला माहौल आता है तो हम लोगों को डर लगता है तो अगर जैसे नेशनल होता है कुछ भी टूर्नामेंट होता है एनआरआई वगैरह होता है तो अगर वैसे ही गैलरी बना के और स्कूल के को बच्चों हाँ। को बुला के मतलब तो थोड़ा भीड़ करके अगर वैसे किया जाए तो वो हमारे लिए फायदा होगा बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही कहा आपने कि वो जो अचानक से अगर आपको भीड़ मिलती है दर्शक मिलते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है किसी के साथ भी मुश्किल होती है हो हमारा आर्चरी है नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्राउड में कभी सूट नहीं करते तो हाँ। वो अचानक से मिलने से थोड़ा सा तो लगता ही है फिर भी बहुत पहले से बहुत बेटर हुआ है अभी क्योंकि इन लोगों का अभी साइकोलॉजिस्ट भी है साथ में बट जो वो माहौल में एकदम जाते ही वो वो, वो, वो नहीं हाँ, हुआ।, हुआ दस हजार बेटर ही हुआ है। मतलब उतना नहीं तो वो धीरे धीरे हाँ, दूर हुआ ना तो वो पहले से ही हो रहा की जैसे हाथ से निकल जा रहा तो मुझे अभी करना है कुछ करके दिखाना है तो इन लोग डटे रहते उसमें तो वही एक मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन बिल्कुल बिल्कुल हाँ यानी पहले से वो इन्वामेंट मिले माहौल मिले ताकि खिलाड़ी को जो अचानक से परिस्थितियाँ मिलती हैं वो ना वो देखना ना पड़े अंकिता ये बताइए कि मैच तो बहुत अच्छे रहे थे कहाँ टफ़ लगा था कहाँ लगा कि थोड़ा और बेहतर करते ब्रॉन्ज मेडल मैच में ऐसा लगा था कि थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था क्योंकि उससे पहले हम लोग जितना भी मैच खेले थे अच्छा मारे थे लेकिन ब्रॉन्ज मेडल में उतना अच्छा नहीं मार पाए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर था ही जी तो उसको और अच्छा से हैंडल करेंगे हम लोग अगली बार जाके वहाँ से जब लौटे तो बहुत सारी उम्मीदें थी आप लौटे कैसा स्वागत हुआ अच्छा लगा मतलब ये तो तय बात है कि आप ओलंपिक तक गई हैं तो ये खुशी की बात है हर किसी के लिए खुशी की बात है ओलंपिक तक जाना ही सपना पूरे होने जैसा होता है Uh, कैसा लगा पेरेंट्स कैसे रिएक्ट किए पेरेंट्स ने क्या रिएक्शन uh, दिया मेरे पेरेंट्स हमेशा यही बोल रहे थे कि तुम गई है यही सबसे बड़ी बात है जी। हम लोग चाहते थे बस तुम ओलंपिक जाओ तो उनके लिए यही था कि मैं गई हूँ उनको और कुछ नहीं पूर्णिमा जी आप बताइए क्योंकि मलाल आपके मन में कसक छोड़िए वो सब खेल में होता है और हम आगे बढ़ेंगे अगली बार जब हम बैठेंगे तो लॉस एंजल्स के मेडल्स के बाद भी बैठेंगे और बहुत सारे बात बीच में बहुत सारे मेडल्स इन लोगों के होंगे बैठेंगे लेकिन इस बार जो लौटी जाने से पहले भी प्रधानमंत्री ने आप लोगों को संबोधित किया था मोरली बूस्टअप किया था वो सब कितना काम देता है कितना कारगर होता है खिलाड़ी के लिए हाँ वो तो बहुत बड़ी बात है कि सबको बुला के आप बोले आप आ, मतलब आप जैसे बोले ना आ, मतलब ओलंपिक में जाना ही बड़ी बात है उन्होंने भी कहा ना कहा था और कहा था कि आप लोग प्रेशर मत लीजिए एकदम खेलिए लेकिन उस भीड़ में खो मत जाइएगा तो अपना गेम अपना 100 परसेंट अपने में दीजिए उसके बाद जो होगा जो। लौटने पर भी बोले सबके नाम बोले जितने भी फोर्थ मेंबर्स आ, मतलब जितने भी मुझे लगता है छः या सात इवेंट में सब फोर्थ आए उनको याद है सबका बताएं तो बोले नेक्स्ट टाइम मतलब बेटर हुआ परफॉर्मेंस बताएं और कोई बात नहीं और मेहनत करने बोले हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और इन लोगों को उससे मोटिवेशन भी मिलता है कि आपको पीएम सर ने बुला के आपको इतना उत्साह बढ़ाया, बढ़ाया और आगे के लिए बोले कि और मेहनत के डेफिनेटली इन लोगों को भी लगता होगा कि कहीं जहां कमियां हैं हम में वो तो पूरा करनी तभी जाके उस जगह पहुंच सकते हैं और उस वहां पे मेडल ले सकते हैं इतना वॉल कप वॉल चैंपियनशिप जितने भी मेडल जीते हैं लगता है कि जीत जाएंगे पर वो माहौल अलग है उसको अपने को अंदर रख के मतलब उसको झेलने का मुझे बोलेंगे बिल्कुल, बिल्कुल वो इनमें हिम्मत होनी चाहिए जी. तो वो अभी जो लोग खेल के आए हैं उन लोगों को पता है क्या करना है और किस पे वर्क करना है वो भी पता है बिल्कुल.

और बाकी मैचेस नहीं यहाँ तो पहले से ही आपको उस जगह से जीत के जाना है तो हमारे लिए इसलिए थोड़ा सा टफ है तो ये माहौल तो बच्चों को देना ही पड़ेगा बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो देना ही पड़ेगा नहीं तो नहीं ये लोग उस जगह में जाके क्योंकि पहले मैच से ही टफ है बारह टीम है वर्ल्ड का तो बेस्ट टीम ही होती है तो सबके साथ फाइट करना है उसमें से भी मतलब आप बहुत अच्छे जगह पे हैं हम लोग मुझे लगता है कितने भी टूर्नामेंट में टॉप एट से नीचे कभी भी नहीं आए इतने साल से मैं जब से देख रही हूँ बट मतलब क्यों उस जगह नहीं हो रहा उसको ढूंढना है बिल्कुल बिल्कुल कैपेबल है हमारे बच्चे अच्छे हैं और देखिए साउथ कोरिया इन लोग इन लोग बहुत तैयारी भी बहुत अच्छा और वह, वहाँ पे बहुत बच्चे हैं ऐसे नहीं है मुझे जो खेलने आए वैसे कम से कम पीछे और सौ बच्चे हैं जी और यहां गीने आ, चुने बच्चे आ, तो यहाँ गिने चुने हमारे पास अच्छा प्लेयर मतलब एकदम थर्टी होंगे जी कि एक टॉप टॉप लड़के ऐसे ही है जी, बट वहां पे सौ है वहाँ पे कंपटीशन अपने घर के अंदर ही है जी, जी, और इन लोगों को मतलब और अपने मतलब जिस लेवल परफॉर्म कर रहे हैं मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है पर ओलंपिक जैसे लेवल के लिए को और और मेहनत क्यों नहीं बच्चे पृष्ठभूमि और लड़कियों को लड़कों को जुड़ना चाहिए देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जोर पढ़ाई में दिया जाता है जी, खेल में बहुत कम दिया जाता है बिल्कुल पढ़ोगे लिखोगे तो लेकिन बाहर में बाकी देश में खेल को भी उतना ही मतलब खेल को बल्कि ज्यादा तरजीह दिया है। जाता है बाहर में बहुत क्रेज है हार्चरी का इसीलिए उनके वहाँ इतना भीड़ आता है देखने हमारे यहाँ एक नेशनल होता है तो कोई आता भी नहीं देखने क्योंकि उसको उतना इंटरेस्टिंग बनाते ही नहीं है नहीं। अगर उसको स्क्रीन लगा देंगे वैसे जैसे इंटरनेशनल होता है वैसे स्क्रीन लगा के सबको दिखाएंगे इंटरेस्टिंग थोड़ा सा बनाएंगे, तो आएंगे लोग देखने बिल्कुल बहुत सही हाँ। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्कूल में आर्चरी शुरू कर देना चाहिए जी जी। तभी जाके वो ग्रास रूट वाला लेवल से बच्चे आएंगे बिल्कुल के बहुत बड़ी बात है अंकिता ने कही है कि आपको भी लगता है कि शुरुआत यहीं से होनी चाहिए सिर्फ प्रदर्शनी हाँ, मैच नहीं जी। सबसे पहले तो ये जब ओलंपिक आता है सब सभी सब को सब देखने लगते हैं सबको याद आ जाता हाँ, है सबको याद आ जाता है स्पोर्ट, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मेडल लाना चाहिए मेडल हाँ। लेकिन घर से एक बच्चे निकलते नहीं हाँ खेलने के लिए अगर आपके घर आप दस घर चुनेंगे ना उसमें से मुझे लगता है एक भी घर सौ घर में से मुझे लगता है पांच घर होंगे जिसके घर से एक बच्चे निकल के आ रहे हैं जी तो ये बहुत बड़ी गैप है हमारे पास क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है हर किसी को स्पोर्ट्स तो करना ही चाहिए 14 तक तो करना ही चाहिए उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि मतलब हमको किस लेवल पे कहा किस में जाना है, है।, में जाना है। अगर पढ़ाई में है तो वहां चल जाए बट नेसेसरी स्पोर्ट्स सब सब गेम कुछ भी गेम कीजिए आप पर स्पोर्ट्स नेसेसरी हो जाना चाहिए तभी जाके होंगे तभी जाके पता चलेगा और जितने कंपटीशन बढ़ेंगे ना इंडिया के अंदर में उतने मेडल्स आएंगे कंपटीशन नहीं है तो कहाँ से बिल्कुल बिल्कुल कैसे लोकप्रिय बनाया जाए और क्या सोचती हैं आप ये अंकिता ने जैसे कहा कि बड़े बड़े स्क्रीन लगाएं कि समझ में आना चाहिए आप आर्चरी टीवी में देखे होंगे जी बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगता जे, जे, बिल्कुल। है ना और प्रिडिक्ट नहीं किया जाता कि आप टॉप प्लेयर है तो आप अभी जीत के जाएंगे वो कभी भी कुछ भी हो सकता है तो वो इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा

जब तक नहीं चिल्ला रहे नहीं। मतलब उसको भी बहुत ट्रेन है मतलब उन लोग देख के इतना हैबिचुएट है कि समझ गया हाँ। जी है, हैं कि ऐसे एंकर में जब पहुंच रहे हैं तो सभी शांत हो जा रहे हैं फिर शूट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और आ, ऐसे माहौल तो होना ही चाहिए मैं तो पहले से ही बोल रही हूँ जब तक ऐसे माहौल बच्चों को नहीं देंगे तब तक ओवर सबको डर लगता है पर उस डर को कंट्रोल करने का समझ में आना चाहिए कि हमको कैसे कंट्रोल करना है नहीं तो मैच हाथ से निकल जाता है एकदम फटाफट से हमारा मैच तो दस दस मिनट का भी नहीं होता हाँ। फटाफट निकल जाता है पॉइंट बेसिस है तो वो तो और जल्दी जैसे कंपाउंड में है आपका ऐड होते रहता है पर हमारा तो पॉइंट एक एक राउंड का पॉइंट मतलब अलग 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 होता है जैसे टू टू जीरो ऐसे आ, मिलते हैं जैसे अगर थर्टी सौर, सिक्स टीम का बोल रहे थे मैं, मैं अगर इंडिविजुअल तीन शूट करते अंकिता ने थर्टी शूट किया ओपोनेंट ट्वेंटी नाइन सूट किया तो अंकिता को टू पॉइंट मिला अच्छा लेकिन कंपाउंड में ऐसे होता कि एड किया जाता है अच्छा तो ये मुश्किलें हैं तो कंपाउंड uh, भी बहुत कंपाउंड में बहुत आ, हमारा आर्चरी बहुत आगे है एनवॉल्व में नंबर वन है हम कंपाउंड में मतलब अभी भी दो बॉल चैंपियन लास्ट बॉल चैंपियनशिप में दोनों टीम बॉल चैंपियन है फिर हमारा प्लेस भी बॉल चैंपियन है तो कंपाउंड भी आ, है बट जहाँ तो, तक देख रहे कि रिको का ये क्रेज थोड़ा कम कम हो जा जा रहा है और एक तो आर्चरी ऐसे है ना कि आर्चरी आपको बहुत लंबा प्रैक्टिस चाहिए बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि कि दो घंटे घंटे दो प्रैक्टिस करने से नहीं है आप इन लोगों को पूछिए सुबह बजे से हाँ, हाँ. बिल्कुल अब तो आप आइडियल खिलाड़ी बनी हुई हैं और पहले से भी हैं थोड़ी आपकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे कि आपने अब तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं मैं पिछले साल एशियन गेम्स में ब्रांज मेडल जीती थी टीम में और एशियन चैम्पियनशिप में भी मेरा मेडल है 2017 में भी है 19 में भी है 21 में भी है और वर्ल्ड कप में भी गोल्ड है सिल्वर है ब्रॉन्ज है सब है यानी सारे रंग जो मेडल के होते हैं सुनहरे रजत हाँ। और सब है सिर्फ मेरा अभी तक वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ओलंपिक में मेडल नहीं है नहीं। नहीं। आपको क्या लगता है आपके आसपास जो लड़कियां होती हैं उनको आप मोटिवेट कर सकती हैं कि इस खेल में भी आपके उनकी रुचि कैसे जागे ऐसा कुछ सोचते हैं आप जैसे मैं तो एकेडमी में रहती हूँ जो तो एकेडमी में जो जैसे नए बच्चे आते हैं तो उनको मैं बोलती हूँ कि देखो मतलब हम लोग जो बचपन में गलतियाँ किए हैं वो ना करे वो लोग तो वो चीज मैं उनको बोलती हूँ कि ऐसे ऐसे शुरू करो जैसे एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज बहुत काम आता है आर्चरी मतलब ऐसे लगता है कि आर्चरी में एक्सरसाइज का कोई काम नहीं है बिल्कुल आमतौर पे तो यही सोचते हैं कि निशाना लगाना है तो फिजिकल नहीं। फिटनेस फरूरी लेकिन नहीं, नहीं, नहीं आर्चरी में भी बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करना क्योंकि स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ होना क्योंकि बहुत पाउंडेज होता है जो हम खींचते हैं वो 44 42 पाउंड होता है तो बार बार उसको खींचने में हमारा मसल भी इंजर होता है अच्छा तो उसमें भी ताकत होना चाहिए ताकि वो इंजरी ना आए जी। तो इसलिए मैं उनको सिखाती हूँ कि एक्सरसाइज यानी आसान जो समझते हैं कि आचरी बहुत आसान है ऐसा नहीं है पूर्णिमा जी ने भी बताया था कि ये जब छोटी थी तो साइकिल पर वो नहीं रख पाती थी <laughs> लोगों से सहायता लेती थी कितना चैलेंज है कितना वक्त लगेगा अगर एक खिलाड़ी एक लड़की अगर आपके खेल से जुड़ती हैं उनको क्या क्या चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है तो सबसे पहले तो जैसे कम उम्र में अगर आ जाए दस साल बारह साल में आ जाए तो और पहले उसको पोस्चर हम लोग से, सेट करते हैं मतलब फिर धीरे धीरे फिजिकल दस साल के अगर चौदह पंद्रह साल के बच्चे हैं तो फिजिकल करते हुए पोस्टर फिर ठीक करते हैं और स्ट्रेंथ होना चाहिए क्योंकि आपको मसल में स्ट्रेंथ नहीं होगा तो आप ज्यादा पाउंडेज खींच नहीं सकते तो उस हिसाब से धीरे धीरे पाउंडेज बढ़ाते हैं जैसे अंकिता है अंकिता भी फोर्टी फोर चला रही है पर भजन जो है हाँ वो थर्टी एट फोर्टी चलाती है तो ऐसे बच्चों को स्ट्रेंथ के हिसाब से दिया जाता है जी। कि कैसे है Actually, आर आर्चरी इतना है एक्चुअली इतना गेम ना जी तो इसलिए भी बच्चे लोग आने से, हाँ, करना, है। थोड़ा मुश्किल होता घर से मिडिल क्लास फैमिली के लिए मुझे लगता बहुत ही है क्योंकि uh, आपको तीन लाख का बो ही हो जाता है फिर जो आप एरो शूट करते है वो करीब फिफ्टी थाउजेंड का होता है और अगर आप प्रॉपर इन लोगों की तरह प्रैक्टिस करते हैं तो दो महीना नहीं चलता एरो अच्छा तो वो बहुत खर्चे वाले गेम है तो लेकिन अभी सब जगह बहुत सपोर्ट मिल रहा है शायद यही वजह है कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो रहा है महंगे होने हाँ की हाँ वजह से और टाइम टेकिंग बहुत बहुत लंबा आपको करना पड़ेगा मतलब आपको फुल डे प्रैक्टिस करना पड़ता है और आप एक ओलंपिक लेवल तक पहुंचने के लिए कम से कम छः साल तक अब बहुत अच्छे प्लेयर लें तो छः साल जी नहीं तो आपको दस साल लग जाता है ओलंपिक तक पहुँचते पहुँचते तो ये बहुत लंबा है और प्रैक्टिस करते रहना

तो ऐसे नहीं होना चाहिए करते रहना चाहिए करते रहना चाहिए और अभी करने की शुरुआत तो हो चुकी है क्योंकि अगला टारगेट है लॉस एंजल्स ओलंपिक अंकिता अभी से तैयारी या फिर दो वर्ष बाद है क्या सोच रहे तैयारी है अभी से तैयारी शुरू है हाँ। पूर्णिमा जी आपके देख रेख में जो भी बच्चे हैं उनके लिए क्या हैं क्योंकि उनका उनकी तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए हमारा टारगेट अगले ओलंपिक में तो जरूर पदक पाना है क्या मैं सरसे? तो वहीं से निकलने के बाद ही बोल दियो अभी से तैयारी कीजिए आप लोग जी वरना फिर नेक्स्ट ओलम्पिक बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि हम लोग का क्वालिफिकेशन ही बहुत टफ है जी ऐसे नहीं कि इन लोग क्वालिफाई हो जाएंगे अभी बोल सकते हैं बहुत मेहनत करने के बाद अब करें। करेंगे तो अभी से तो मेहनत करना ही पड़ेगी बिल्कुल प्रैक्टिस से चुकना नहीं है एंड बस अपने ऊपर भरोसा रखना अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रखना बिल्कुल चुनौतियां बहुत हैं अपने ऊपर मेहनत के ऊपर भरोसा रखना है और वाकई में अगर हम अपने मेहनत पर और अपनी हिम्मत पर भरोसा रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो तीरंदाजी वाली स्पर्धा में भी हमारे देश में पदक आएगा अगले ओलंपिक में ज़रूर हम उम्मीद करें इसी कामना के साथ आपका भविष्य सुनहरा हो आप दोनों का अंकिता जी पूर्णिमा जी स्टूडियो में आई और हमारे ये जो खिल, खिलाड़ी हैं जो युवा वर्ग हैं उन्हें प्रेरित किया आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम